Hello, my dear friend. Hello, my friends and dear students. Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा. चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना लेवी, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखता होगा. ठीक है, क्या है लेवी? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. सर लेवी का मतलब क्या है सर? सिंपल है सर, चार्ज करना. क्या चार्ज करना सर? टैक्स चार्ज करना. ठीक है. एंड नेक्स्ट कलेक्शन, और ये जो चार्ज किया हुआ टैक्स कलेक्ट करना, कौन करेगा सर? कोई भी कर सकता है, मतलब मोस्टली तो सप्लायर करता है, राइट? नॉर्मल केस में सप्लायर करता है कलेक्ट, और पे किसको करता है? जाके वो पे गवर्नमेंट को करता है. ठीक है, मतलब यहाँ पर कलेक्शन जो है गवर्नमेंट के नजरिए से दिया है. ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. अब ये चैप्टर अगर इंडेक्स देखोगे आप, इंडेक्स में सबसे पहला ओवरव्यू प्रोविजंस दिए है, राइट है? इसमें हम मोस्टली, मैं बोलता हूँ ये टॉपिक जो है मैं आज एक वीडियो में ही खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया कुछ नहीं है. इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम समझेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लेंगे, और उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो बचा हुआ सर ये सब चीज हमें नहीं देखना है क्या? ये सब चीज भी देखना है, बट कैसा है ना, ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, बहुत कुछ हमने कवर किया है. तो हमने एग्जांपल्स के और में ऐसे करते करते हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है. ये सब वन टाइम रीड करना है आपको, वन टाइम रीड करना है, और कुछ जगह पे मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है तो याद भी कर लेना वो चीज, ताकि आपको एमसीक्यू हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, राइट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, या फिर तुम्हारे थियरी पार्ट में कहीं पर कवर हो जाएगा. ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, बाकी सब चीज, ये दो चीज अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट कौन सा, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, ये जो है ये दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कुछ नहीं है, ये दोनों पॉइंट नोटिफिकेशन समझो, नोटिफिकेशन या सर्कुलर किसने दिया है? गवर्नमेंट ने सर्कुलर प्रोवाइड किया है और बोला है आरसीएम. आरसीएम का मतलब आपको भी पता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किसे पे करना पड़ता है? नॉर्मली किसे पे करना पड़ता है? रिसिपिएंट को पे करना पड़ता है, राइट? तो ऐसे टाइम पे ये नोटिफाइड गुड्स है, क्या बोला उसने? नोटिफाइड गुड्स है. गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर और नोटिफिकेशन के बेसिस पे कुछ गुड्स को नोटिफाई किया है, और वो नोटिफाइड गुड्स में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बस इतना ही है. तो आपको ये नोटिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं, वन टाइम गो थ्रू करना बस काफी है अपने लिए. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. ये चैप्टर में सबसे पहला क्या लिखा है सर? सर इतना लिखा है कि सेक्शन 9, यहाँ पर लिखा है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या करता है? चार्ज करने पे मजबूर करता है गवर्नमेंट को. सीजीएसटी लेवी ऑफ आईजीएसटी सेक्शन 5 बोलता है. ठीक है, तो ये सिर्फ नाम के लिए सेक्शन 9 जो अपना है सीजीएसटी एक्ट में, जो सीजीएसटी लेवीएबल का बात करता है और आईजीएसटी लेवीएबल का सेक्शन 5 बात करता है, आपको याद रखना ऐसा कंपलसरी नहीं. चलो देखते हैं, देखो सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5 की बात किया, राइट है, सेक्शन 9 और सेक्शन 5 की बात की है. फिर लेविडॉन, लेविडॉन हमेशा याद है ना आपको, अभी इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, कि जब 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 इंट्रा वर्ड आता है, या हजार बार बता दिया है, तो स्टेट के अंदर होता है, विद इन स्टेट होता है. क्या होता है? विद इन स्टेट होता है. जब इंटर वर्ड आता है तो वो क्या होता है? स्टेट टू स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट तक ट्रांजेक्शन होता है, राइट? तो ये चीज हो गया इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, ये डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, तो इंटरस्टेट जब भी आता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है आईजीएसटी लगता है, राइट है, वेयर एज इंट्रास्टेट हमेशा एक ही स्टेट के अंदर होता है, इसीलिए उसके अंदर क्या आ जाता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आता है, राइट है, यहाँ पर आईजीएसटी आ जाता है. तो सिंपल है सर, पढ़ा हुआ है, कलेक्टेड बाय टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को भरेगा. नेक्स्ट क्या है? सप्लाई आउटसाइड द परव्यू ऑफ टैक्स, ये जो आपको पता है ह्यूमन कंजप्शन, ये हर एक बच्चे को पता है मेरे हिसाब से. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ओवरव्यू में क्या क्या चीज है देखिए. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज मैं बोल रहा हूँ, याद रखो अच्छा रहेगा, कि रेट्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का कितना है? 20, मतलब 20% मैक्सिमम रेट होगा. कहां पर? ये सीजीएसटी एसजीएसटी के ऊपर. बट वही अगर आप आईजीएसटी का रेट देखोगे, आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है?
40%। तो ये एक हो गया नॉलेज वाला पॉइंट अपना, जो आपको कहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है सप्लाई। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वो अच्छा रहेगा, बेस्ट। ठीक है चलो, ठीक है चलो, सप्लाई ऑन टैक्स लेविड विद नोटिफाइड। मतलब देखो ये जो पांच चीजें मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि ये पांच चीजें जीएसटी के अंडर फॉल होती है। क्या बोला? जीएसटी के अंडर फॉल होती है, बट अभी तक नोटिफाई नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि इस पे टैक्स लगाया जाए। कौन सा टैक्स? जीएसटी का टैक्स लगाया जाए। तो ये है जीएसटी के परव्यू में आता है, बट स्टिल अभी तक इसको कवर नहीं किया है इन्होंने टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, तो ये अल्कोहल जैसा नहीं, अल्कोहल को तो डायरेक्टली बाहर ही रख दिया है। तो ये ठीक है, यहाँ पर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट ये पॉइंट हम आगे जाके डिटेल में आपको मैंने शेयर भी किया है, अच्छे से याद कर लेना, वो आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पर जो टॉपिक कवर होने वाला है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसको एप्लीकेबल है वो बता रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन का जब 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 ट्रांजेक्शन होगा वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट आ सकता है। वो पॉइंट के बारे में बात करने वाले, ठीक है, देखते आगे। फिर बाद में इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का भी कुछ पॉइंट आने वाला है, ये सब पॉइंट आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है चलो, आगे क्या है? और क्या है सर? हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे और एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। चलो तो सर, सबसे पहले क्या है? लेवी ऑफ जीएसटी। ये सब चीज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक बार देख लेना आप, सेम चीज है, मैं कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर। ठीक है, आईजीएसटी लिखा है, इंटरस्टेट, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो सिर्फ एक बार आपको गो थ्रू करना है। बेसिस ऑफ चार्जेस जैसा उसने बोला सेक्शन 9 में चार्ज होगा। हाँ भाई, ये तो लिखा हुआ है क्लियरली, वन टाइम आप रीड करना, बस इतना ही बोल रहा हूँ, वन टाइम आपको रीड करना है, वो रीड में आपको समझ जाएगा, या कुछ हार्ड नहीं है, सेम चीज हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है ये सब चीज। ठीक है, जैसा यहाँ पर देखो लिखा है 40% नॉट एक्सीडिंग 40% ये आईजीएसटी, यहाँ पर लिखा है 20%, तो वही चीज ऊपर भी देख लिया हमने। तो वंस अगेन आप देख लो, ये हमने डेफिनेशन चैप्टर में बहुत कुछ कवर किया था। ठीक है, ये भी एलिमेंट, ये सब चीज शॉर्ट में एक बार आप गो थ्रू करना, याद खुद ब खुद समझ जाएगा आपको, कोई हार्ड नहीं है वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज एक बार उनके मतलब सेम ही है, कुछ नया नहीं है। सप्लायर देखो यहाँ लिखा क्या है, हाउ टू डिसाइड आईजीएसटी और एसजीएसटी। तुमको बोले गए आईजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी साथ में होता है भाई भाई ये, और ये अलग है, तो ये कब एप्लीकेबल है, ये कब एप्लीकेबल है। ठीक है, आईजीएसटी कब एप्लीकेबल है सर? यहाँ पर देखिए, जब कोई डिफरेंट स्टेट का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब दो डिफरेंट स्टेट यहाँ पर आ जाते ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उसको दूसरा नाम क्या है, इंटर स्टेट भी होता है, हमने ऑलरेडी देखा इधर। सेम यहाँ पर क्या है, विद इन स्टेट होता है, सीन अ सेम स्टेट विद इन स्टेट, राइट है। तो वहां पर सीजीएसटी आईजीएसटी, जिसको हम क्या नाम देते, इंट्रा स्टेट भी नाम देते। ठीक है, तो ये चीज देख लिया, आगे बढ़ो। सर टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? यहाँ पर खुद ही उन्होंने लिखा है, देखो सप्लायर का डेफिनेशन तुमने चैप्टर 2 में देख लिया, रिसिपिएंट का डेफिनेशन तुमने चैप्टर 2 में देख लिया, कोई नया चीज नहीं है, राइट है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी आपने कहाँ पर पढ़ा, चैप्टर 2 में, हम लोग डेफिनेशन चैप्टर में देख लिया था रिवर्स चार्ज, राइट है, रिवर्स चार्ज। बट यहाँ पर देखिए एक नया चीज है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड ई कॉमर्स। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ जाना चाहिए एग्जांपल। फर्स्ट फॉरवर्ड चार्ज जो बोल रहा है, राइट है, अगर यहाँ पर सप्लायर है, राइट, एक सप्लायर है और यहाँ पर रिसिपियंट है। ठीक है, अब ये सप्लायर क्या करता है, 100 रुपए का बिल बनाता है, उस पर 18 रुपए जीएसटी चार्ज करता है, 118 रुपए किससे लेता है, वो रिसिपियंट से लेता है। तो ये 18 रुपए सप्लायर किसको जाके भरेगा, गवर्नमेंट को जाके भर देगा। ठीक है, सप्लायर किसको जाके भरेगा, गवर्नमेंट को जाके भर देगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्टली जिससे लेता है और आगे बढ़ा देता है, जो ये पेमेंट 18 का है इससे लेके वो फॉरवर्ड करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बना। तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसका बनता है, पर्सन मेकिंग द सप्लायर, सप्लायर का लाइबिलिटी बनता है यहाँ पे क्या करना, जीएसटी को पे करना।
अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है सर, यहाँ पर भी सप्लायर होगा और यहाँ पर भी रिसिपिएंट होगा, राइट है, ये दो जन है। अब यहाँ पर सप्लायर क्या करेगा, 100 रुपए तो लेगा उससे, बट जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, वो सिर्फ 100 रुपए लेगा, किससे लेगा, रिसिपिएंट से। तो 18 रुपए सर जीएसटी का क्या है, ये रिसिपिएंट क्या करेगा, खुद से होके गवर्नमेंट को जाके भरेगा, क्या किया उसने, खुद से जाके, मतलब सप्लायर को भरना चाहिए था बट वो रिसिपिएंट भरेगा जाके, क्योंकि लायबिलिटी रिसिपिएंट का बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल होता है, कौन सा ये ट्रांजेक्शन, कौन सा ये ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है सर, वो आगे जाके आपको सम्स करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, और नीचे नोटिफाइड गुड्स भी वो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से ट्रांजेक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। तो यहाँ पर किसका लाइबिलिटी बनता है, रिसिपियंट ऑफ द सप्लाई का लाइबिलिटी बनता है सर। अभी कौन है लास्ट में, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब सर, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, रुको चलो इधर एग्जांपल देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईको, इसको शॉर्ट में नाम क्या दिया, ईको, समझो अमेज़न है यहाँ पर, ठीक है, अमेज़न है, ये क्या करता है, सेलर को क्या करता है, ऑर्डर देता है और कस्टमर को ऑर्डर रिसीव करवाता है, राइट है, इसके बीच में ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म का सर्विस दे रहा है, इसी को क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी ईको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोलता है ये बंदे को, ठीक है। तो ऐसे केस में ये सप्लायर है, कौन है ये सप्लायर है और ये कौन है, रिसिपिएंट है। तो टैक्स कौन भरेगा सर, फॉरवर्ड चार्ज में तो ये भरता है, रिवर्स चार्ज में ये भरता है, बट इन केस ऑफ ईको, ईको में मतलब, ईको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में कौन भरेगा, ये गवर्नमेंट को जाके जीएसटी भरेगा, मतलब कलेक्ट करेगा किससे, कस्टमर से, और इसको भर देगा और सप्लायर को उसका अमाउंट दे देगा, मतलब अगर बिल अगर 100 हुआ है 18 तो 118 तो 118 कलेक्ट करेगा कस्टमर से यहाँ से, राइट है, 18 रुपए गवर्नमेंट को देगा और 100 रुपए इसको दे देगा, राइट है, मतलब कमीशन के बाद जो भी उसका बचता है कमीशन। तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स वाला पॉइंट, ई कॉमर्स वाला पॉइंट। तो यही पर लिखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही क्या करना पड़ता है, लाइबिलिटी है जीएसटी का पे करने का। चलो आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें है, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें रेट ऑफ टैक्स की बात करते हैं सर, याद करना है इसको, याद करने की जरूरत नहीं बट कुछ पॉइंट्स है उसको याद करो, जैसे कि फोर टायर रेट स्ट्रक्चर, मैंने ये टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन पूछा था, बहुत लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था इसका, क्योंकि अपना टॉपिक कवर नहीं किया था हमने, राइट, फिर भी मैंने देखा किसी को पता है क्या, बहुत लोगों ने इसका गलत आंसर दिया। तो ये फोर टायर स्ट्रक्चर, अपने को कभी भी रेट का स्ट्रक्चर पूछेगा कितना टायर स्ट्रक्चर है तो रेट का, तो उसमें बोलने का फोर टायर मतलब 5%, 12%, 18%, 25%, मतलब इसका मतलब इतना ही रेट से क्या, नहीं ऐसा नहीं है, 0.25% भी है, 3% भी है, बट इसको बोलने के लिए फोर टायर रेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर टायर रेट स्ट्रक्चर ऐसा डिवाइड किया, एसेंशियल गुड्स, लग्जरियस गुड्स, राइट नेसेसिटी गुड्स, उसमें उन्हें डिवाइड किया है, तो ये रेट ऐसा उन्होंने बांटा है, ये सबका ऐसा एक जनरल व्यू है, ठीक है। तो ये रेट है सर, ये सब रेट्स याद करना है, याद नहीं करना है, बस सिर्फ देखना है, एक बार आपको आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 हमने पढ़ा ना, शेड्यूल 4, 5, 6, ये सब ऐसा करके टोटल शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स में से इतने सब रेट्स है, ये शेड्यूल को 5% लगता है, ये शेड्यूल को 12, इसको 18, 28, राइट है, ये सब रेट्स है। तो आईजीएसटी, यूटीएसटी, अभी आईजीएसटी तो टोटल 5% लेगा, वेरा सीजीएसटी और यूटीएसटी होगा उसके अंदर तो आधा आधा इन लोग बांट के लेंगे, राइट, ऐसे होता है, यूनियन टेरिटरी होगा तो यूजीएसटी आ जाएगा, स्टेट होगा तो एसजीएसटी आ जाएगा, तो ऐसे टोटल इनका बनता है। तो ये सब चीज फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, एक बार रीड करना अपना काम बनता है, ठीक है। आगे क्या है, स्पेशल टैक्स स्लैब, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो नोट, क्या सर, ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर लिखा है लूज डायमंड्स, जेमस्टोन, गोल्ड, प्लैटिनम, ज्यादातर लड़कियों को ये समझ में आता होगा, राइट है, हम लोग को कम समझ में आता है। तो वहां पर क्या है, इन लोग क्या बोल रहे हैं, वहां पर जो है टैक्स रेट्स अलग से स्पेशल टैक्स रेट है 3% वाला, ठीक है, वो फिक्स किया है। सेम वैसे यहाँ पर किसका था, ये गुड्स का टैक्स रेट था, अभी किसका है, सर्विस का टैक्स है, सर्विस का टैक्स रेट कैसा कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो एक बार तुम लोग देखो, ये सब पढ़ने वाला चीज मतलब याद करने वाला चीज तो नहीं है, बट एक बार गो थ्रू करना वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो ये मैक्सिमम रेट, रेट चार्ज मतलब हाफ ऑफ,
देखो सीजीएसटी यूजीएसटी 9% प्लस 9% तो 18% हो जाएगा, वही आईजीएसटी 18% पूरा ले लेगा, तो वही बता रहा है इधर। ठीक है, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का ये चैप्टर नंबर अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी हो सकता है उस चैप्टर में अपने को पता चलेगा। नोटिफिकेशन में एग्जेम्पशन कौन से गुड्स एग्जेम्पशन है फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, ये मैक्सिमम रेट हमने ऑलरेडी पढ़ा। क्लासिफिक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो एक बार क्लासिफिकेशन, ये भी मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर भी बहुत लोगों ने आंसर गलत दिया। ये क्या है सर? देखो याद रखना, HSN कोड होता है, क्या होता है? HSN कोड होता है। कोड मतलब सर जब भी है ना, देखो इनका शेड्यूल बनता है ना, शेड्यूल 1 2 3 जो भी बनता है, ठीक है शेड्यूल है समझो, शेड्यूल में बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट 1 2 3 4 समझो, ये मोबाइल है राइट है, ये माउस है, ये पेन ड्राइव है, ये पीसी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं राइट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो इन्होंने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट को जो है ना एक कोड दिया है, जैसे 0001 0002 राइट है, 0001 00 मान के चलो 3, ऐसा कुछ भी कोड्स अलाउड किया है, उसी को क्या बोलते हैं HSN कोड। इससे क्या होता है, बिल जो होता है, बिल बिल आप रेस करते हो ना, कोई भी जीएसटी वाला बिल देख लेना ठीक है, जीएसटी वाला वहां पे ना कोड दिया होगा, HSN कोड दिया होगा, कोड के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि ये गुड्स के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, रेट काट रहा हूँ। हो सकता है मोबाइल का 18% हो, माउस का हो सकता है 12% हो, इसका हो सकता है 10%, कुछ भी हो सकता है, वो रेट के हिसाब से, वो कोड के हिसाब से हम रेट चार्ज करते हैं। किस पे? अपना HSN कोड के हिसाब से अपन बिल पे रेट चार्ज करते हैं। तो HSN कोड क्या है, हार्मोनाइज्ड 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 सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, ठीक है अच्छे से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं सर, चलो बहुत दिन के बाद कुछ क्वेश्चन सामने आए अपने राइट है। क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, सबसे पहला देखना क्वेश्चन में कि अपन इंटर स्टेट वाला सम कर रहे हैं या फिर इंट्रा स्टेट वाला सम कर रहे हैं, मतलब सर विद इन स्टेट, सॉरी सॉरी इंटर है ना, स्टेट टू स्टेट देख रहा है या फिर विद इन स्टेट देख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लेना तो सम आपको ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट क्या लिखा है, एम मिस्टर एम मुंबई, मुंबई बोला है राइट है, तो मिस्टर एम मुंबई वाला है, सप्लाई गुड्स ऑफ 20,000 20,000 का टू पी पुणे। अब मेरे को बताओ सर ये मुंबई एंड पुणे, मुंबई एंड पुणे ये दोनों क्या है सर, एक ही तो स्टेट में आते हैं महाराष्ट्र में, मूवी भी देखा होगा मुंबई पुणे राइट। तो SGST एंड CGST यहाँ पर आएगा राइट है, विद इन स्टेट है तो SGST एंड CGST आना चाहिए राइट है, 9% ईच बोला है राइट, ईच मतलब सर 9 9% कितना होता है, 18% होता है दोनों मिला के राइट, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अगर दम है तो टोटल प्राइस चार्ज बाय द मिस्टर एम वो निकाल के दिखाओ, और हु इज लायबल टू पे जीएसटी, देखो हु इज लायबल टू पे जीएसटी, यहाँ पर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सम नहीं है, नॉर्मल सम है, तो लायबल कौन बनता है, जो सप्लायर होता है वही लायबल बनता है सबसे पहला, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का होता है तो रिसिपियंट लायबल बनता है। तो यहाँ पर सप्लायर कौन है, सप्लायर एम है यहाँ पर राइट है, इसने गुड्स बेचा है, किसको बेचा है, पी को बेचा है, तो पी उसको पेमेंट करेगा, तो क्या करेगा एक बिल पे क्या करेगा, राइट करेगा बिल, बिल बनाएगा वो राइट, 20,000 का बिल है, क्या बेचा उसने जो भी गुड्स एंड सर्विसेस, उस पर क्या लगाएगा, सबसे पहला जीएसटी लगाएगा, जीएसटी क्या होगा, जीएसटी में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा राइट है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने सेम किया, बिल 9% ये और 9% ये, 9% 9% क्यों लिया, आईजीएसटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुंबई एंड पुणे है इसलिए विद इन महाराष्ट्र आते, इसलिए हमने उसको सीजीएसटी एंड आईजीएसटी सॉरी एसजीएसटी लिया। आईजीएसटी कब लेंगे, जब महाराष्ट्र से अगर बाहर ट्रांजेक्शन करता हो, मुंबई से कोई अगर मुंबई से अगर मैं बोलता हूँ कहीं एमपी में ट्रांजेक्शन करता तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्राइस इंट्रा स्टेट है ना, ये टोटल प्राइस चार्ज हुआ, और कौन लायबल रहेगा, एम, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पी होता, बट यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम फिलहाल उसको क्या मान के चलेंगे, फॉरवर्ड चार्ज है, नॉर्मल है ठीक है। ऐसा करके इन्होंने एक बार रीड करो सब समझेगा, सिंपल है। सेकेंड भी वही है, बट सेकेंड में क्या है, मिस्टर सी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, वेयर हैज मिस्टर एम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पर स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन आ गया, तो यहाँ पर कौन सा चीज आएगा, आईजीएसटी आएगा, ना कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ठीक है। तो 20,000 का रख दिया उसने और एक ही बार उसने रेट चार्ज किया आईजीएसटी का ठीक है, पूरा का पूरा आईजीएसटी।
यहाँ पर क्या लिखा है, इन्होंने कंफ्यूज, ये देखो ये जो पॉइंट है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट सप्लाई ऑफ गुड्स 9% ईच, कंफ्यूज करने दिया है आपको ताकि आप क्या करो 9% 9% चार्ज करके खत्म करो। बट यहाँ पर आईजीएसटी का रेट कितना है 18%, अपने को पता होना चाहिए कि आईजीएसटी अप्लाई होगा यहाँ पर, इसलिए डायरेक्टली आईजीएसटी का एक ही रेट आता है। और अगर वही चीज ऊपर हमने देखा उसमें भी आईजीएसटी का रेट दिया था, बट हमने आईजीएसटी का रेट लिया क्या, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट था, यहाँ पर विद इन स्टेट नहीं है, ट्रांजेक्शन आउटसाइड स्टेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक ही लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज, कंफ्यूज करने देंगे वो। यहाँ पर भी कौन लायबल रहेगा, मिस्टर सी रहेगा जो सप्लायर है, ये कौन है सप्लायर है, तो उसी को लायबल है, उसी को भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को जाके टैक्स। नेक्स्ट क्या है सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है सर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देखो ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि यह जीएसटी के अंडर क्या होते हैं, अंडर फॉल होते हैं, क्या होते हैं जीएसटी के अंडर फॉल होते हैं। बट गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया कि इस पे जीएसटी चार्ज करना है। तो आज भी इस पे क्या होता है, वैट चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है, ये सब चार्ज हो रहा है, बट अभी तक इस पे जीएसटी चार्ज होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल हो गया, हाई स्पीड डीजल पता है आपको गाड़ियों में यूज होता है, मोटर स्पिरिट पेट्रोल वो भी गाड़ियों में यूज होता है, नेचुरल गैस राइट है, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये किधर होता है, प्लेन में यूज होता है, ठीक है, प्लेन हेलीकॉप्टर जो बोले हवाई जहाज उसमें यूज होता है, ये सब चीज आज भी रिलेटेड टू क्या है, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इस पे अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है सर। ये क्या है सर, ये वो चीज है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स में कौन कौन फॉल होता है, ये मैंने बोल रहा हूं, ये नोटिफाई किया है, किसने नोटिफाई किया, गवर्नमेंट ने। तो एक बार रीड करो और छोड़ दो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं सर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कौन करता है, रिसिपिएंट पे करता है, क्या टैक्स किसको सर, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को रिसिपिएंट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक ये सब मैं पढ़ाने वाला नहीं, सबसे पहले बोल रहा हूँ ये नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफिकेशन है, तो ये नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट हजारों नोटिफिकेशन लाती है हर 6 महीने में, तो वो सब चीज तो चेंज होते रहता है, बट फिलहाल तुमको सिर्फ वन टाइम रीड करना है, और इसके सम्स जब हम करेंगे ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये सप्लायर है, मतलब डिस्क्रिप्शन कैशूनट कुछ ये कर रहा है वो, ठीक है, सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चर इज जो बंदा है फार्मर, वो क्या था कैशूनट बना ये कर रहा है प्लांट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है, सेल किसको कर रहा है, रिसिपिएंट कौन है, भाई कोई भी हो सकता है रिसिपिएंट, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट है, तो जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा, रिसिपिएंट को, ना कि वो एग्रीकल्चर जाके पे करेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस है, टोबैको लीव्स, किलियान सप्लाई, लॉटरी वॉटरी, ये सब चीज है, ये जो ये कॉलम में बैठे हैं ना, ये सब कॉलम में राइट, ये लाइन में, ये सब लाइन में, ये सब लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी जाके पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ना कि सप्लायर पे करेगा। सप्लायर पे जिधर करता है फॉरवर्ड चार्ज में करता है, आरसीएम में कौन करता है, रिसिपिएंट करता है, ठीक है। तो ये सब केसेस है, एक बार गो थ्रू करो, कुछ ये नहीं है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट आपको ऐसा लिखने नहीं आएगा, या पूरा आपको किधर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के गुड्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए ऐसा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार रीड करके रखना है, आगे जाके हम लोग इसके सम्स देखने वाले, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नॉर्मली सम्स ज्यादा होते हैं, और थ्योरी में आया तो भी शॉर्ट नोट आता है, तो ज्यादातर 1-1.5 पेज काफी है उसमें लिखना, ठीक है। तो ये सब नोटिफिकेशन है, फिलहाल मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊंगा, हाँ चलो ये एक अच्छे से देख लेना, नोटिफाइड सर्विस अंडर ओनली जीएसटी, मतलब जहां पर आईजीएसटी लगेगा वो सर्विस, सिंपल ये देखिए, पूरा पढ़ने से अच्छा मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ क्या बोलता है, कोई भी सप्लायर, क्या बोला मैंने, सप्लायर और यहाँ पर रिसिपिएंट, ठीक है, ये सप्लायर जो है आउटसाइड इंडिया बैठा है, आउटसाइड इंडिया, समझा, आउटसाइड इंडिया से सर्विस दे रहा है मुझे, राइट है, और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसने अगर बिल मुझे 100 रुपए का चार्ज किया तो मैं उसको 100 रुपए दूंगा,
बट बचा हुआ जो 18 रुपए है ये तो बाहर बैठा है, ये किधर बैठा है समझो, ये समझो जापान में बैठा है, ठीक है। वो थोड़ी गवर्नमेंट के पास आएगा कि ले भाई जीएसटी भरता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, 18 रुपए गवर्नमेंट के भरना पड़ेगा, तब जाके ये आईजीएसटी वाला केस है। तो यही लिखा है यहाँ पर, एनी सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जापान तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है अपने लिए, इंडिया में नहीं आता है वो, इंडिया में जो भी आता है वो सब टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल, मतलब वही बोल रहा है। और सप्लायर ऑफ सर्विस रिसिपियंट कौन है, पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो हम टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में बैठे हैं, तो अपने को क्या गवर्नमेंट को जाके भरना है, यही चीज उसको बताना है। तो ये दोनों केस में वही है, याद रखना, जब भी इंपोर्ट होता है कोई चीज तब भी जीएसटी आता है, या फिर जब भी आप क्या करते हो इंपोर्ट के टाइम पे वो रिसिपियंट को कौन सा रूल्स अप्लाई होता है आरसीएम का। चलो अपना आज का और एक टॉपिक आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्या है सप्लाई, क्या ये सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो इसका मैं एक शॉर्ट सा टेबल जैसा बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। क्या लिखा है, सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये सर अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, पर्सन कौन है सर, राइट है, कौन है सर, कुछ नहीं, इधर लिखता हूं मैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। जो जीएसटी के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जिसने, उसको अनरजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना सीन, यहां पर दो केस आते हैं, दो केस, एक आता है नॉर्मल जिसको हम क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, मानते हो यही तो चल रहा है अपना कब से, ठीक है। और यहां पर क्या आता है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब सर मतलब क्या बोलते हैं, स्टेट टू स्टेट लिखते हैं अपन, ठीक है, स्टेट टू स्टेट या फिर आउटसाइड स्टेट, ये ट्रांजेक्शन। अब यहां पे क्या है ना, दो लोग मिलेंगे आपको, एक सप्लायर मिलेगा और एक कौन मिलेगा, रिसिपिएंट मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना रिसिपिएंट जो है ना, याद रखना, ये जो है ना ये रजिस्टर्ड नहीं है, यहां पे लिखता हूं नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। और ये कौन है, ये रजिस्टर्ड है, दो बिजनेस है, ए बी समझ के चलो, मतलब ए ने बी को गुड सेल किया, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है। देखो ये क्या करेगा, बिल ये ट्रांजेक्शन करेगा इनके बीच में, राइट है, इसने क्या किया सेल किया और इसने पेमेंट किया। अब सेल एंड पेमेंट में 100 रुपया चार्ज किया है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, तो ये जीएसटी क्यों कलेक्ट करेगा, सप्लायर क्यों कलेक्ट करेगा जीएसटी जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको थोड़ी ना गवर्नमेंट को भरना है जाके, तो इसने सिर्फ 100 रुपये लिया सामने वाले से, यहाँ पे दे दिया। अब रिसिपियंट का काम क्या बनता है, मैं रजिस्टर्ड हूँ और ये ट्रांजेक्शन किसके अंदर फॉल होता है, आरसीएम के अंदर फॉल होता है, किसके अंदर फॉल होता है, आरसीएम के अंदर फॉल होता है। क्या बोला मैंने, आरसीएम, यहाँ पर देख सकते हो आप रिवर्स चार्ज बात किया उन्होंने, ठीक है, आरसीएम के अंदर फॉल होता है ये ट्रांजेक्शन याद रखना, ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखता हो ट्रांजेक्शन फॉल अंडर आरसीएम, ठीक है। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, और रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट होगा और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा, सप्लायर होगा, ऐसे टाइप ऐसे केस में आरसी में अप्लाई होगा। रजिस्टर्ड पर्सन तो अपना नॉर्मल 100 रुपये लेके चले जाएगा, बट आरसीएम में रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, 18 रुपये जाके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज अ जीएसटी। इसको बोलते हैं सर, ये प्रोविजन इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सेम इन केस ये भी
सेम कुछ नहीं, सेम बोल रहा हूँ जैसा इधर लिखा है ना, जैसा सप्लायर होगा रिसिपियंट होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, दो स्टेट का अलग होगा। ये समझो महाराष्ट्र का ही है, ये भी महाराष्ट्र का है, बट ये क्या होगा, एक महाराष्ट्र का होगा एक यूपी का होगा, राइट है। बट यहाँ पर भी सप्लायर क्या होगा, नॉट रजिस्टर्ड होगा, और यहाँ पर भी सप्लायर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। तो इन दोनों के बीच में भी वही ट्रांजेक्शन होगा, तो यूपी वाले को जाके खुद को भरना पड़ेगा यहाँ पे, राइट है, आरसीएम के रूल्स में। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, एक बार आप रीड करो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक है रियल एस्टेट का बात कर रहा है, रियल एस्टेट का बात हो रही है, रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट ओनर जो होता है, राइट है, जो रियल एस्टेट रिसिपिएंट, रुको, अब रियल एस्टेट की बात हो रही है, रियल एस्टेट में भी क्या करते हैं, बहुत सारे चीज परचेस किया जाता है। क्या किया जाता है, परचेस। अभी बिल्डिंग बना रहा हूं मैं बड़ा, ठीक है, मस्त बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग के लिए बहुत सीमेंट लगता होगा, बहुत सारे परचेस होंगे मटेरियल के, राइट, बहुत सारी चीज होंगे इसके अंदर। तो ऐसे टाइम पे इसका काम क्या बनता है, इसको आरसीएम क्यों एप्लीकेबल है, वो पूछना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने क्या बोला, वो चीज को आरसीएम एप्लीकेबल है, आगे जाके हमको पता चल जाएगा। ये रियल एस्टेट के टाइम पे आरसीएम क्यों एप्लीकेबल है वो पूछ रहा है। देखो ये तीन केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा उसको, वो तीन केसेस क्या है, सबसे पहले देखो पढ़ते हैं अपन। वेयर इंपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विस, प्रोक्योर का मतलब होता है परचेस करना फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर लेस देन 80% ऑफ टोटल परचेस। यहाँ पर ये नहीं समझा होगा तो ये तो समझेगा आपको, जब ये जो है रियल एस्टेट वाला बंदा बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। अब परचेस कैसे है ना, इसने दो पार्ट में परचेस किया, कुछ रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया, राइट है। अब रजिस्टर्ड पर्सन से ज्यादातर परचेस करो ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से मत करो। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखा है, अगर 80% से कम होगा तुम्हारा रजिस्टर्ड पर्सन से, तो फिर तुमको वो आरसीएम में पे करना पड़ेगा। ये क्या हुआ सर, फॉर एग्जाम्पल देखो, टोटल परचेस अपना 1,00,000 का परचेस हुआ है समझो, ठीक है, 1,00,000 का परचेस, उसमें से रजिस्टर्ड पर्सन से कितना किया मैंने 70,000 और अनरजिस्टर्ड से कितना किया 30,000। तो वो बोलना चाहते हैं कम से कम 80% होना चाहिए, तो इसका कितना 70% है, तो 80% कितना होता है 8,000, तो बचता कितना 10,000 उसको करना चाहिए था बट नहीं किया, तो इस पे आरसीएम बोल के टैक्स भरो। कौन भरेगा, रियल एस्टेट, वो ना ये भरेगा ना ये भरेगा, ये तो सप्लायर से फिर भी नहीं भर रहे हम लोग, आरसीएम इसने परचेस किया ना, ये कौन बना, रिसिपियंट बना, तो रिसिपियंट को भरना पड़ेगा। तो वही एग्जाम्पल, अगर वही चीज इसने 80,000, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल वैल्यू परचेस 1,00,000 आउट ऑफ विच रजिस्टर्ड पर्सन से कितना किया उसने सिर्फ 70,000 और बचा हुआ 30,000 किससे क्या होगा, अनरजिस्टर्ड से क्या होगा। तो वही बोलना चाहता है कम से कम 80% तो होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल में फिर से और एक दूसरा केस ले लेते, 1,00,000 लिया और उसने 90,000 जो है रजिस्टर्ड पर्सन से किया और 10,000 जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया, तो उसका लाइबिलिटी बनता है क्या, नहीं, वो तो 90 बन गया ना भाई, क्रॉस किया ना इसको, तो नो इशू, आपको भरने की जरूरत नहीं। बट अगर ये आपका कम होता है, अगर ये कल 50,000 इससे भरा और 50,000 इससे कर रहा है, तो तुमको वहां से लेके 80% मतलब 80,000 तक आपको भरना चाहिए था, करना चाहिए था, बट आपने 50 ही किया, तो 30,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम के हिसाब से जीएसटी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, खुद से जाके रिसिपियंट को। तो इसीलिए उसने वो पॉइंट लिखा है ऐसे। नेक्स्ट क्या है, परचेस प्रोक्योरमेंट ऑफ सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो जितना भी तुम लोग सीमेंट खरीदते हो किससे, अनरजिस्टर्ड से, 1 रुपए का भी खरीदो, आपको खुद को जाके क्या करना पड़ेगा, आरसीएम पे करना पड़ेगा, वो भी कितना 28%, मतलब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में आएगा ही नहीं, जब जीएसटी में आएगा नहीं वो तुमसे जीएसटी लेगा नहीं, अब जीएसटी नहीं लेगा तो तुम लोग खुश मत होना, तुम्हारा काम बनता है भाई, तुमने सीमेंट खरीदा है अनरजिस्टर्ड वाले से वो भी, तो तुम लोग को खुद से 28% उस पर जाके पे करके आना पड़ेगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं, तो वो चीज को परचेस करना उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, वो भी किससे सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ये पूरा टॉपिक अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही चल रहा है ना, हम किसी से भी किससे खरीद रहे हैं, अनरजिस्टर्ड वाले से खरीद रहे हैं, तो आपको आरसीएम आ जाएगा और उसका रेंज दिया 5 से लेकर 28% तक हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 2 में कवर किया गया है. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 का डेफिनेशन जो चैप्टर है उसमें मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है. आपको बस एक बार रीड करना है, आपको समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है. बट ये सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में इन लोगों ने एग्जांपल दिया है. एग्जांपल में क्या दिया, रेडियो टैक्सी को भी लिया है, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, मोटर कैब, ये सब भी आता है. जैसा हमने पहले एग्जांपल में क्या लिया था, अमेजोन हो गया, राइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला उबर, राइट, ओला उबर में भी रेडियो वीडियो आ जाते हैं, राइट, रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ये सब आ जाते हैं. तो ये सब चीज है. अब इन्होंने क्या दिया है, मैक्सी कैब किसे बोलेंगे उसके बारे में बात किया. ऐसा मोटर व्हीकल जिसका कैपेसिटी 6 से ज्यादा पैसेंजर्स को रख सकता है बट 12 से ज्यादा को नहीं रख सकता, राइट, एंड नॉट मोर देन, बट एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के पैसेंजर की बात चल रही है. ठीक है, मोटर कैब में ऐसा जो व्हीकल जिसपे क्या नॉट मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर और हायर, मतलब 6 से ज्यादा नहीं रख. ये क्यों बोल रहा हूं मैं सर, ये एमसीक्यू में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ऐसा वाला कि मोटर कैब में बताओ किसे बोलते हैं और मोटर कार किसे बोलते हैं. मोटर कार तो वही ये सब चीजें को मोटर कार बोला जाएगा. ठीक है, तो सर ये सब चीज हम क्यों क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि जो है ना ये नोटिफाइड सर्विसेस है. क्या ये नोटिफाइड सर्विसेस है ऑफ किसका, इको का. इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का नोटिफाइड सर्विसेस है. सर यहाँ पर देखिए मैं अलग से लाइन करता हूँ, देखो तो ये जब तुमको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर इको वाला मतलब ओला जो है, ओला, देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ, ओला, ठीक है, ओला को ने एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसका खुद की गाड़ी नहीं होती है, ड्राइवर होता है और यहाँ पे पैसेंजर होता है. ठीक है, ये ड्राइवर कौन है, सप्लायर ही बोल सकते, सर्विस ऑफ सप्लायर, और ये कौन है, कस्टमर है, रिसिपिएंट जिसको बोलेंगे, और ये ओला कौन है, इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. तो इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो ओला को जाके क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी, ठीक है, उसके बीच में कमीशन विमिशन सब मैनेज यही करता है ओला वाला. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है ये भी किसमें आएगा सर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर में इसको पे करना पड़ेगा. तो लायबल कौन रहेगा यहाँ पे, रिसिपिएंट कौन है और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर है और रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है जो सर्विस लेगा वो ड्राइवर का. उसके बाद में इको जो ओला उबर है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी लायबल है पे करने के लिए. ऐसा बहुत सारी चीजें है, देखो यहाँ पर अकोमोडेशन, होटल, कैंपेन, वन टाइम रीड करो बस हो गया. इसमें सब चीज किसको पे करना पड़ेगा, ओला उबर वाले को. तो ये वन टाइम रीड है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ. ठीक है, इको, इको लोकेटेड इन टैक्सेबल, समझो अभी ये अमेजोन है, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी. अब ये किधर लोकेट है, समझो ये मुंबई में लोकेट है, तो मुंबई इंडिया का पार्ट है, राइट है, तो ये टैक्सेबल टेरिटरी में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो इसमें इसके पास कौन है, इसके पास कौन है, इसके पास सप्लायर है और रिसिपिएंट मतलब कस्टमर. ठीक है, अब इसमें लायबल कौन रहेगा भाई, जीएसटी कौन भरेगा, जीएसटी भरेगा इको, इको मतलब अमेजोन, अमेजोन को भरना पड़ेगा. नेक्स्ट केस क्या है, अगर इको डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मतलब वो इंडिया में कहीं पे भी ऐसा उसका कोई ऑफिस नहीं है, नो ऑफिस, फिजिकल प्रेजेंस मतलब नो ऑफिस इन इंडिया. ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या करेगा वो, कौन भरेगा टैक्स तीनों में से. तो बोल रहे पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज पर्सन रिप्रेजेंटिंग इको. तो अमेजोन के जगह पे समझो जियो का ऑफिस है, वो क्या करता है, अमेजोन का सब डील करता है, संभालता है. तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंट कर रहे जो, उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा अमेजोन की जगह. थर्ड क्या है, इन केस ऑफ इको नाइदर फिजिकल प्रेजेंस नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव, समझो उसका ना जियो भी है ना फिजिकल प्रेजेंस भी है, कोई भी नहीं है, तो क्या करेगा वो, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन पर्सन. तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा और वो अपॉइंट के बेसिस पे टैक्स को पे करना पड़ेगा वो पर्सन को, मतलब इन दोनों का कभी लायबिलिटी आएगा ही नहीं, इनडायरेक्टली इसी को पे करना है तुमको, अमेजोन को ही करना पड़ेगा इको.
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आज का लास्ट टॉपिक होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या समझना, कुछ ने चार पॉइंट्स दिए वो अच्छे से समझ के लो। सिंपल चीज है, इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, दोनों टाइम पे अपना क्या आईजीएसटी की बात आती है। ठीक है, आईजीएसटी की बात आती है इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, क्योंकि एक स्टेट में दूसरे स्टेट से मतलब इनडायरेक्टली मैं एक टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को भेज रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है लेवी, तो फर्स्ट लेवी क्या बात कर रहा है। सेकंड क्या है इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। ठीक है, थर्ड क्या है इंट्रा स्टेट है, चार्ज है, वैल्यू है, और क्या है क्रॉसिंग कस्टम फ्रॉन्टियर। देखो सबसे पहले तो ये मैं इधर नहीं लिखता हूँ, कुछ ऐसे बता दूंगा मैं, सिंपल है बहुत। ठीक है, देखो याद रखना आईजीएसटी जो है लेवी किया जाएगा, क्या बोला मैंने आईजीएसटी लेवी मतलब चार्ज किया जाएगा किस पर सर, इंपोर्ट करने पर। इंपोर्ट करने पर आपको क्या किया जाएगा, लेवी किया जाएगा। और लेवी करने का प्रोविजन क्या होगा सर, सेक्शन 3 ऑफ कस्टम, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मतलब जब भी आप इंपोर्ट करते हो ना तो कस्टम्स के प्रोविजंस स्टार्ट हो जाते हैं लगना। तो ऐसे टाइम पे आपको कहा गया है सेक्शन 3 में जो कस्टम टैरिफ एक्ट में आपको जो कस्टम चार्ज करने का रूल्स प्रोवाइड किया है, तो उसमें आईजीएसटी का भी आपको प्रोविजन दिया गया है, तो उस हिसाब को आपको चार्ज करना है। तो याद रखना सिंपल चीज में, जब भी इंपोर्ट के केस में अपने को लेवी करना है आईजीएसटी, तो वो कौन से सेक्शन के हिसाब से होता है, सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट किसे बोला जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसे बोला जाएगा भाई, इंपोर्ट किसे बोला जाएगा, ब्रिंगिंग गुड्स, गुड्स को लेके आना इंडिया में फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सिंपल है भाई, इंडिया में अगर मैं, ये इंडिया है ठीक है, ये बना आपका श्रीलंका, ठीक है, अब यहां से गुड्स यहाँ पे आ रहे हैं, ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम श्रीलंका आउटसाइड इंडिया है, राइट, ये तो वही बोल रहे हैं इंडिया, फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया। क्या इसमें समझाना, इंटर स्टेट, याद रखना ये ट्रांजेक्शन हम इंटर स्टेट में गिना जाता है, इंटर स्टेट एंड इंपोर्ट माना जाता है, इंटर स्टेट माना जाता है, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, बस इतना ही बोलना है। इंटर स्टेट है तो क्या आता है, आईजीएसटी वाला प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है। और जो ये लाइन मैंने बीच में बनाई है वो क्या होता है, कस्टम एरिया होता है, कस्टम का एक अपना एरिया होता है, कस्टम फ्रॉन्टियर। ठीक है, वो कस्टम फ्रॉन्टियर अगर क्रॉस करते हो तो उस दिन उसको इंपोर्ट माना जाएगा, और जिस दिन इंपोर्ट माना जाएगा उस दिन उसे आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। चार्ज अभी मैंने बताया, जस्ट जो चार्ज लेवी भी चार्ज ही होता है, राइट, वो भी सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से आईजीएसटी लगाने बोला गया है। सर कैसा लगता है, एक एग्जांपल दो। देखो समझो इंपोर्ट किया मैंने, राइट, इंपोर्ट उसका वैल्यू समझो 100 है, तो उस पे कस्टम्स लगेगा, समझो 5% कस्टम लगा रहा, 5, ठीक है, तो कितना हो गया 105, ये एजुकेशन सेस मिला विला के सब बोल रहा हूँ। फिर इस पे तुमको आईजीएसटी लगाना है, तो आईजीएसटी इस पे 10% है समझो, तो हो गया 10.5, तो ऐसा बन के ये कुछ बनेगा 16116 कुछ बना समझो। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा, ठीक है, ये बना तुम्हारा वैल्यू, चार्ज करना, कौन चार्ज करना सिखाया अपने को, ये सेक्शन 3 अभी जो हमने ऊपर ही पढ़ा, राइट है, उसके हिसाब से हम लोग आईजीएसटी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट लिखा है, इन शॉर्ट आईजीएसटी विल बी लेविड एज एन एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी। मेरा बेसिक कस्टम ड्यूटी 5 है, इसके अलावा एडिशनल क्या है, आईजीएसटी, तो उसको एडिशनल कस्टम ड्यूटी जैसा माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू किसको बोलते पता है, ये जो 100 रुपए लिखा है ना मैंने उसको वैल्यू बोलते हैं। वो कौन डिटरमाइन करता है, सर 100 ही रुपया होगा ऐसा जरूरी है क्या, अगर डिस्काउंट दिया होगा तो वो आएगा केस के अंदर। वो वैल्यू जो है, वैल्यू का कैलकुलेशन, वो कस्टम एक्ट ने
अपना प्रोविजन में लिया है, जिसको एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैल्यूएशन चैप्टर अपना आएगा तब अपन जीएसटी वाला करेंगे। ये तो कस्टम के हिसाब से इंपोर्ट किया है, तो कस्टम का जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ लिखा है, वैल्यू वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इंपोर्टेड आर्टिकल डिटरमाइन द सेक्शन, कस्टम के हिसाब से जो वैल्यू डिसाइड होगा उसी पे जीएसटी आएगा। बाकी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। कस्टम फ्रॉन्टियर मैंने बता दिया है, अगर कोई भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और कस्टम्स के जो एरिया क्रॉस करता है और इंडिया में आता है तो उसको कस्टम फ्रॉन्टियर क्रॉसिंग करना करते हैं। ये तो आया गुड्स के बारे में बात किया हमने। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्विस के बारे में। सर्विस क्या है सर? सिंपल चीज है, सर्विस पढ़ोगे तो सप्लायर किधर रहेगा सर? सप्लायर इंडिया लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रहेगा, क्योंकि हम सर्विस ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो रिसिपिएंट होगा वो कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। ऐसे करके सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बाहर से, इस पे भी क्या चार्ज होता है? IGST चार्ज होता है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर, ये लाइन अच्छे से याद कर लो। जब तुम इंपोर्ट करते हो, राइट है, इंपोर्ट करते, मैंने बोला जापान से मैंने कुछ गुड्स मंगा लिया, राइट है, जापान थोड़ी ना जीएसटी भरने जाएगा गवर्नमेंट को, तुमको ही भरना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं इंपोर्टर लायबल टू पे टैक्स, जो इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल टेरिटरी में, ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बंदा, तो वो गवर्नमेंट उस पर रूल्स चलाएगी भी नहीं, इस पर चलाना पड़ेगा, तो उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इम्पोर्ट, राइट है, इम्पोर्ट का ऑपोजिट यही बोल रहा। देखो, एक्सपोर्ट मीन्स अ गुड्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो सिंपल है सर, कोई गुड्स को मैं क्या करूँगा, अपने कंट्री से बाहर कंट्री में लेके जाऊँगा, अपने इंडिया जो डेफिनेशन है उससे बाहर लेके जाऊँगा, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। सर एक्सपोर्ट में क्या बेनिफिट है सर? वेरी अच्छा एक बेनिफिट है, बेस्ट बेनिफिट है। वो क्या है सर? यहाँ पर जो जीएसटी जो है कलेक्ट नहीं किया जाता है, कलेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसको जीरो रेटेड नाम दिया गया है, जीरो रेटेड। ठीक है, अगर गलती से पे करता भी है तू तो तुझे रिफंड मिल जाएगा इसका। क्या बोला? पे करता भी है तो रिफंड मिल जाएगा, इसे बोलते हैं जीरो रेटेड, जीरो रेटेड सप्लाई। यहाँ पर क्लियरली अपने को दिया है जीरो रेटेड सप्लाई, तो एक्सपोर्ट हमेशा जीरो रेटेड सप्लाई होता है। अगर इनकेस अगर हमने भर भी दिया है तो वो अपने को रिफंड मिल सकता है। चलो एक केस लेता हूं मैं, मैंने कुछ गुड्स परचेस किया, ठीक है, परचेस 10,000 का किया मैंने, ठीक है, उस पर जीएसटी मैंने पे किया, कितना पे किया? 1,000 का, तो कितना हो गया सर? 11,000, डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये गुड्स को मैंने प्रोसेस किया, अभी ये गुड्स मेरे को आया होगा, राइट, ये तो गवर्नमेंट को चला गया मेरे नाम से, जीएसटी सप्लायर ने भर दिया होगा, राइट है। अब मैं ये 10,000 को क्या करूँगा, फिर से इसमें 5,000 का प्रोसेस करूँगा और 15,000 का एक नया गुड्स बनाऊंगा, ठीक है, मैं इसको सेल करने जाऊंगा, सेल, और सेल यहाँ पर नहीं कर रहा, यहाँ पर करता तो मैं जीएसटी लगा देता, बट मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट क्या बोलती है, एक्सपोर्ट कर रहा है ना भाई, तू एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तेरे को जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई, तो अगर मैं इनकेस आज यहाँ पर सेल करता, मैं इस पर जीएसटी भरता है, समझो जीएसटी हो गया 1,500, ठीक है, तो मैं क्या करता, 1,500 भरने से पहले मैं माइनस क्या करता है ये वाला पार्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं ITC, क्या बोलते हैं इसको? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं गवर्नमेंट को सिर्फ कितना भरता है? 500 रुपये, तो ये बेनिफिट मिलता मुझे, राइट, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट करते वक्त मुझे तो टैक्स आएगा ही नहीं, तो ये 1,000 रुपये का क्या करूँ, मेरा तो वेस्ट चला गया 1,000 रुपये। तो गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी भाई, इसका रिफंड ले सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो, तो इसी को बोलते हैं एक्सपोर्ट ITC जीरो रेटेड। मैं बता दूंगा, देख लो, पढ़ लो, समझ जाएगा आपको। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब लोकेटेड आउटसाइड, ये सब चीज एक बार देख लेना, सिंपल चीज है। रिसिपिएंट सप्लायर कहां पर होगा? इंडिया में होगा। रिसिपिएंट उल्टा केस है, ये इंपोर्ट का आउटसाइड होगा। सर्विस हमने आउटसाइड दिया है, जापान को दिया है इस बार सर्विस हमने। पेमेंट अपने को कैसा मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा पेमेंट, बात तो सही है ना, जब एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन डॉलर्स आना चाहिए क्या ना अपने पास, तो फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए, उसी को एक्सपोर्ट माना जाएगा, राइट है। अगर तुम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हो किसके साथ? यूएसए के साथ, और यूएसए तुमको सिर्फ गांधी जी का नोट दे रहा है,
तो उसको फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे क्या है, सप्लायर, सप्लायर नॉट मियरली एस्टैब्लिशमेंट एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, सिंपल चीज बोल रहा है वो, रिलायंस का जो है यूएसए में भी ब्रांच है और इंडिया में भी ब्रांच है, अब खुद ही का ब्रांच है, खुद के ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सिर्फ नाम के लिए ट्रांजेक्शन है, एक्सपोर्ट नहीं बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो वही बोलना चाहता है भाई, रिलायंस कर रहा है ना ट्रांजेक्शन, अगर बाहर का, अगर समझो कोक कोला कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हो तो भाई ये अलग पर्सन है, तो इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात किया मैंने, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट के केस में आता है, प्लस एसईजेड के केसेस में भी आता है। एसईजेड कौन होता है सर, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कोई एरिया को डेवलप करना हो या कुछ करना हो, तो वो एरिया में अगर तुम इंडस्ट्रीज डालते हो तो वो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर होता है और यूनिट भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कवर हो जाता है, तो वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, मतलब आगे का 10 साल तुमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के अलग अलग चीज़ें होती है वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर कल तुमने कोई भी चीज़ एसईजेड यूनिट को बेचते हो तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, जैसे हम बाहर सेल करते हैं ना उसी को वैसे ही माना जाएगा, ठीक है। तो जीरो रेटेड सप्लाई में तो ये एक्सपोर्ट के टाइम पे भी रेट क्या होगा, जीरो रेटेड होगा, तो वही बोलना चाहता है जीरो रेटेड सप्लाई मतलब कोई चीज को एक्सपोर्ट करो या फिर एसईजेड यूनिट को भी बेचो चलेगा, उसको भी जीरो रेटेड सप्लाई में माना जाएगा। यहाँ पर मैंने बोला जीरो इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीधा अपन इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, रिफंड लिखा है यहाँ पर, ये भी देख लेना एक बार। ये एक लास्ट पॉइंट है वो एक बार समझा देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जीबिशन कंसाइनमेंट बेसिस, मतलब समझो मेरा गुड्स है, गुड्स समझो मैंने क्या बनाया, लैपटॉप बनाया, लैपटॉप, ठीक है। अब लैपटॉप इतना अच्छा बना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट क्या है ना, एक्सपोर्ट कोई लेने वाला आता नहीं जल्दी, तो मैंने क्या बोला, यूएसए में जो है एक एग्जीबिशन हो रहा है, एग्जीबिशन मतलब कुछ नहीं, चार चार सप्लायर्स आते हैं वहाँ पर बैठते हैं और अपना अपना प्रोडक्ट का डेमो दे के चले जाते हैं, राइट, डेमो के बेसिस पे आपको पसंद आए तो ऑर्डर मिल जाता है, तो एग्जीबिशन हो रहा है, तो एग्जीबिशन के लिए लैपटॉप लेके गया और वहाँ पर बैठ गया मैं, चार लोगों को लैपटॉप का फीचर्स दिखाने लग गया, इनडायरेक्टली एक सेल्स प्रमोशन टाइप हो गया, सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट वैसा हो गया, तो वो बेसिस पे तुमको ऑर्डर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अगर किसी को पसंद आया तो आपको ऑर्डर करेगा, तब वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, अदरवाइज तब तक वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो वही बोलना चाहता है, अगर कोई गुड्स को लेकर जाता है एग्जीबिशन पर्पस के लिए, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, तो वो गुड्स को आपको डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी सप्लाई, मतलब डज नॉट फॉल विद इन द सेक्शन ऑफ 7 एंड नो कंसिडरेशन सच गुड्स, यहाँ पर लिखा है देखो, वो गुड्स को आप सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड जीरो रेटेड सप्लाई। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया कि ऐसे कोई गुड्स अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए लेके जाते हो तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा और आप जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कर सकते, उसके आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने ये चैप्टर आज क्लोज किया, होप आपको समझा होगा, एक बार आप भी रीड करो, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई चीज़ नया नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। मेरा एक पॉइंट छूट गया है यहाँ पर, ठीक है, मेरा एक पॉइंट छूट गया है, मिक्स्ड सप्लाई, राइट, एक कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई मैं अगले टॉपिक में कवर कर लूंगा, शॉर्ट सा है, एक 5 मिनट का लेक्चर है, वो मैं करके आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, जितना हो सके लोगों से लोगों तक पहुंचा दो ताकि उनको भी ये फ्री लेक्चर्स का एडवांटेज मिल सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।